नमस्ते, मेरा नाम है नितिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हैंगओवर। मैं यहाँ पर बात करता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप की। क्या है ना यार, देखो बहुत ठंड वंड हो रही है, तो ऐसे में एकदम जस्ट टू मेक दैट इन्वायरमेंट वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल आई हैड टू डू ऑल दिस नॉनसेंस। यार ठंड की जहाँ तक बात है, मैं यहाँ पे एकदम गर्म कर देने वाली कहानियां लेकर आ गया हूँ। टेक थ्री में सबसे पहले यहाँ बताने वाला हूँ कैसे सलमान खान अब होस्ट के बाद एक नई टोपी पहनने वाले, कुछ अनोखा करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा फाइनली वो लड़की जो कब से अबला नारी बनी घूम रही थी उसकी शादी हो जाएगी, जा पराया धन हो गई। एंड करण जौहर अब क्या नया जौहर दिखाने वाले हैं, किसके साथ कॉफी सुड़कते सुड़कते, ये सब जानने को मिलेगा राइट हियर राइट नाउ। एक यहाँ पे बात करने वाले हैं सलमान खान की। इस बार कह दिया कि नहीं बस सब हो गया, बस अब से मैं बिग बॉस होस्ट नहीं करूंगा। अबे वो जा रहे एक रियलिटी शो को जज करने आए, राम ये क्या हुआ हा? सोचो सलमान खान किस टाइप के कमेंट्स देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने ये डांस बेकार किया, क्या कर क्या रहे हो, तुम्हें नहीं आता, तुम्हारी मतलब कुछ भी हो सकता भाई। नच वाली है के एक एपिसोड को जज करने पहुंच जाएंगे और वहां पे वो जो बहुत बोलता है ना साजिद खान, वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साजिद खान है फराह खान का भाई, फराह खान है शाहरुख खान की बहन, नहीं उसकी करीबी, और इस बात से यू नो इन दोनों के बीच में दिक्कत है। और जब जय हो को प्रमोट करने सलमान पहुंचेंगे तो साजिद खान गायब। आई सो होप एंड विश आपकी तरह कि हमेशा के लिए गायब हो जाता, कितना बोलता है। टेक टू, यहां पे बात करने वाले उस महिला की जिसने अपना करियर शुरू किया था फरहान अख्तर की डबिंग करते हुए, द वन एंड ओनली रानी मुखर्जी। उनकी आवाज भी ऐसी है गले में हाथ डाल के निकालनी पड़ती है। एंड सुनने में आया फाइनली शादी कर रही है, कितना अच्छा है, अच्छा हुआ भाई शादी कर रही है, मतलब कुछ क्या बचा गया है। आदित्य चोपड़ा के साथ जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में जाके पे 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 पे। और फरवरी में ये शादी संपन्न होगी। बस इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते, अच्छा है शादी हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो बहुत साल पहले डिक्लेयर कर दिया था रानी चोपड़ा, एंड ये बात हमने भी कई बार आपको बताई कि दोनों का चल रहा है। एंड अब बस हो गया यार, खत्म करो, अब शादी करो और करो जाओ, जाड़े का मौसम है वैसे भी सर्दी का। टेक थ्री, बात करेंगे फरहान अख्तर और विद्या बालन की। फिल्म है प्यार के नहीं शादी के साइड इफेक्ट्स, दोनों शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है यार, यही सब देखने को मिलेगा करण जौहर के शो पे। ऐसी वैसी हर तरह की बातें करने फरहान अख्तर विद्या बालन पहुंचने वाले। कमाल की बात यह है कि देखने को मिलेगा कैसे फरहान अख्तर करण जौहर की ले लेते हैं क्लास, क्योंकि इससे पहले वो भी एक इस टाइप का सेलिब्रिटी इंटरैक्टिव शो होस्ट करा करते थे, है कि नहीं, याद है? ओए ओए ओए, हाँ, तो यहां पे कुछ धमाल होगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। और बाकी सारी अपडेट्स इस एपिसोड की और आने वाले एपिसोड के बारे में अपुन देगा ना, बस एक ही डर है मेरे को यार, अब ये धीरे धीरे ना वैसा ना बन जाए कि वही कपल्स आ रहे हैं जिनकी फिल्म आने वाली है खाली उनको प्रमोट करने के लिए। सही कहा ना, मैं हमेशा सही कहता हूं। यहां कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सबसे सही क्या लगा। और बाकी ये क्या बॉलीवुड हैंगओवर, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है। दिस इज मी नितिन साइनिंग आउट, लाइक करो वीडियो को, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। कॉफी पिलाना है मेरे को भी। ओ या, टेक वन, कौन खड़ा है पीछे? सलमान खान की गला नहीं करेंगे मां की आंख टेक। हाँ जो भी शादी सब सर्दी में ही करते हैं।